अगर सस्ता और बढ़िया मल्टीविटामिन मिल जाए जो आपका भूख और वजन बढ़ाने का साथ साथ आपका इम्यूनिटी पावर, आपका एनर्जी, आपका शरीर में ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, खाने का चॉय अपचॉय मतलब इंडाइजेशन सिस्टम जो डाइजेशन सिस्टम उसको पोख्ता कर दे, बालों को गिरना कम कर दे और हेयर ग्रे जो होता है उसको कम कर दे, तो कैसा रहेगा आप कमेंट्स करके बताएं। जी हाँ, मैं सुरंजन कुंडू आपका हमसफर और फार्मासिस्ट ऐसा ही एक टैबलेट के बारे में बताएंगे जिसका नाम है सुप्राडीन। बहुत ही सस्ता, 15 टैबलेट का कीमत है सिर्फ 50 रुपया और पीरामोल एंटरप्राइज द्वारा निर्मित है और इंडिया में नहीं बाहर में भी बहुत पॉपुलर है। ऐसा एक टैबलेट जो आपको जो विटामिन्स मिनरल्स का जो कमी है उसको भी पूरा करता है और साथ साथ मांसल भी डेवलप करता है और आपका इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। आज हम इस वीडियो में बताएंगे ये सुप्राडीन टैबलेट क्या है, इसका बेनिफिट्स क्या है और साइड इफेक्ट्स क्या है, और इसका डोज क्या है, इसमें क्या क्या कॉम्पोजिशन मिला हुआ है और किन किन लोगों को ये टैबलेट नहीं दिया जाता है और प्रिकॉशन क्या है, और लास्ट में ये आपका डाउट्स का जवाब देंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं ये भाई सुप्राडीन क्या है। सुप्राडीन एक मल्टी विटामिन और मल्टी मिनरल्स टैबलेट है जो कि आपका इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएगा, जो भी विटामिन्स और मिनरल्स का शरीर में कमी है उसका पूर्ति करेगा, शरीर को स्टैमिना को बरकरार रखेगा। आजकल भागदौड़ भरी जिंदगी में हमेशा बैलेंस जाहिर नहीं ले पाते हैं, तो इसीलिए एक टैबलेट तो आपका शरीर भी ठीक रहेगा, आपका एनर्जी भी रहेगा, आप सारा दिन तरोताजा होके काम करोगे। तो इसका बेनिफिट्स क्या है पहले जान लेते हैं। ये जो विटामिन है ये टैबलेट फॉर्म में आता है और आपका शरीर में अगर कमजोरी आ गया है बीमारी का कारण या इन नॉर्मल कंडीशन में आपका खान पीन आप बराबर नहीं कर पाए इसीलिए, तो डेली अगर ये टैबलेट लेते हो तो आपका शरीर का कमजोरी दूर होता है। आपका शरीर में इम्यूनिटी पावर का कमी है तो भी ये पूरा करेगा क्योंकि इसमें विटामिन सी का मात्रा भी भरपूर है। आपका मसल को भी डेवलप करेगा, आपका हेयर को भी अच्छा कर देगा। कम उम्र में ग्रे हो जाना, सफेद हो जाना एक आम बात हो गया है, तो इसमें बायोटिन भी काफी मात्रा में है, इसीलिए आप एक ही टैबलेट से बहुत सारा फायदा ले सकते हो क्योंकि इसमें फैट सोल्युबल और वाटर सोल्युबल दोनों विटामिन का कॉम्बिनेशन है, वो भी इतना सस्ता रेट में, इसलिए डॉक्टर भी इसको प्रेस्क्राइब करते रहते हैं। ये आपका जो आई साइट है इसको भी इम्प्रूव करेगा क्योंकि इसमें विटामिन ए भी दिया हुआ है। ये आपका स्किन को भी डेवलप करेगा विटामिन सी होने का कारण, और आपको डाइजेशन सिस्टम भी अच्छा कर देगा क्योंकि इसमें कई सारे मिनरल्स ऐसा है जो डाइजेशन को अच्छा कर देते हैं। लेकिन आप सोचोगे भाई यही एक टैबलेट लेके हम खाना पीना कम कर देंगे तो भी चलेगा, ऐसा नहीं है। ये एक हेल्थ सप्लीमेंट का तौर पे है, जैसे आप जो जो डाइट ले रहे थे सारे डाइट लेना है, आपको हरी सब्जी डेली खाना है, पानी भी सफिशियंट पीना है, लेकिन जो कमी इसमें रह जाता है विटामिन का मिनरल्स का तो ये सुप्राडीन टैबलेट उसको भरपाई कर देते हैं। तो इसका साइड इफेक्ट क्या है, इतने सारे फायदा में ये नॉर्मली ज्यादा कुछ साइड इफेक्ट नजर नहीं आता है, लेकिन आयरन होने का कारण थोड़ा बहुत किसी को दांतों में थोड़ा हल्का सा कलर आ सकता है, लेकिन आप अगर इसको रेगुलर ले रहे हो, पानी भी सफिशियंट पी रहे हो, धीरे धीरे कुछ एक दिन में ठीक हो जाता है। कभी कभी कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, ये देखा गया है, किसी का मितली या उल्टी भी हो सकता है, किसी को सर में दर्द भी हो जाता है, लेकिन ये सारे माइल्ड साइड इफेक्ट में आता है, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा साइड इफेक्ट इसमें नहीं होता। तो आप बोलोगे इतने अच्छे टैबलेट है इसका डोज क्या है। देखिए ये टैबलेट जो है 18 साल या उसका नीचे वाला व्यक्ति को नहीं देना है, उससे ऊपर डेली सुबह या सुबह नाश्ता का बाद या लंच का 15 से 20 मिनट बाद डेली एक दिया जाता है। कुछ एक स्पेशल केस में डॉक्टर सुबह शाम 2 बार देने के लिए बोलते हैं, लेकिन नॉर्मल केस में एक ही टैबलेट पानी का साथ निकाल लेना पड़ता है। और ये टैबलेट 15 दिन तक आप लगातार खाइए, फिर 7 से 10 दिन का गैप देके फिर 15 दिन खाइए, ऐसा करके आप 2 महीना लगातार ऐसा गैप दे दे के खा सकते हो।
अगर आगे इसका और जरूरत पड़े तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। इतने बढ़िया टैबलेट है तो इसका क्या क्या कॉम्पोजिशन है ये भी जानना जरूरी है। इसमें विटामिन ए है, विटामिन B1 यानी थायामिन भी है, विटामिन B2 है राइबोफ्लोविन जिसको बोलते हैं, विटामिन B3 निकोटिनामाइड, विटामिन B5 जिसको कैल्शियम पेंटाथोनेट बोलते हैं, विटामिन B6 जिसको पाइरोडॉक्सिन बोलते हैं, विटामिन B7 यानी बायोटिन जो है वो भी इसमें है, विटामिन B12 जिसको साइनोकोबालामिन बोलते हैं वो भी इसमें है, विटामिन सी यानी एस्कॉर्बिक एसिड इसमें है, विटामिन D3 कैल्सिफेरॉल भी है, विटामिन ई यानी अल्फा टोकोफेरॉल भी है। ये तो हो गया आपका विटामिन्स का है, ये छोड़ के भी मिनरल्स भी बहुत है, जैसे इसमें कैल्शियम है, आयरन है, मैग्नीशियम है, मैंगनीज है, फास्फोरस है, कॉपर है, जिंक है, मोलिब्डेनम भी है। तो आप समझ सकते हो ये एक पावरफुल इंग्रेडिएंट से भरपूर मल्टी विटामिन और मल्टी मिनरल टैबलेट्स है। तो इसका कुछ सावधानियां या कौन कौन ये नहीं ले सकते हैं, अगर आप लीवर किडनी का क्रॉनिक डिजीज आपका पहले से है तो आप ये टैबलेट को नहीं लेना चाहिए या डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। जो प्रेग्नेंट या लैक्टेशन मदर है, प्रेग्नेंट के लिए और लैक्टेशन मदर के लिए तो ये ले सकते हैं, लेकिन डॉक्टर से पूछिए कितना दिन लेना है, किस टाइम में लेना है और कैसे लेना है, ये आप डॉक्टर से पूछना पड़ेगा। अगर जिसका ऑलरेडी डायबिटीज है तो उसको भी ये टैबलेट नहीं दिया जाता है। कुछ डायबिटिक वाले हैं जो बहुत लोअर ग्रेड में है उनके लिए दे सकते हैं, लेकिन ये डॉक्टर से आपको कंसल्ट करना पड़ेगा। बच्चे के लिए ये टैबलेट नहीं दिया जाता और इसको स्टोरिंग जो है 15 से लेकर 30 डिग्री टेम्परेचर में, नॉर्मल टेम्परेचर में घर में आप रख सकते हो। और जिसका ऑलरेडी बहुत सेंसिटिव शरीर है तो उसको खाने का पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एलर्जी कभी कभी हो जाता है। आशा करता हूँ आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा है। इस टाइप का और भी टैबलेट्स है, जैसा बिकोसूल है, ये जिंक का भी टैबलेट है। अगर आपको A to Z टैबलेट के बारे में जानना है तो प्लीज ये वाला वीडियो देख लीजिए। अभी हम बात कर लेते हैं FAQ। कई लोग पूछते हैं क्या इसका टैबलेट का कितना लेना चाहिए। ये टैबलेट डेली एक ही लेना चाहिए और लगातार आप 15 दिन लीजिए, फिर 7 दिन 10 दिन का गैप देके फिर ले सकते, फिर आगे लंबा अगर लेना है तो डॉक्टर से प्लीज पूछ लेना। क्या इस टैबलेट स्कार्वी बीमारी में इस्तेमाल होता है? हाँ जी, स्कार्वी यानी विटामिन सी का जो डिफिशियंसी है उसके लिए सुपरडीन टैबलेट भी दिया जाता है। तो अब उसको सुबह और शाम को 2 टाइम दिया जाता है, क्योंकि ये वाटर सोलेबल है, इसीलिए जो साइट्रस फ्रूट है उसको भी आपको साथ साथ लेना चाहिए, ताकि ये स्टोर शरीर में नहीं होता ना हमारा शरीर में बना सकते हैं, इसीलिए रेगुलर बेस पे लेना चाहिए। और आपको इस मामले में डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना चाहिए। कई लोग बोलते हैं जो भाई ड्राइविंग के टाइम में ले सकते हैं कि नहीं। देखिए, ड्राइविंग का टाइम में एग्जैक्टली तो नहीं ले सकते, उसका 1 घंटा पहले व 1 घंटा बाद में आप लीजिए, फिर लेके आधा घंटा 1 घंटा आराम कीजिए, देखिए सब ठीक ठाक है तो उसके बाद ड्राइव कर सकते। कई लोग बोलते हैं भाई इसका लत तो नहीं लग जाता ना, इस टैबलेट का लत तो नहीं लगता, क्योंकि ये मल्टीविटामिन है, आप कुछ दिन लेने के बाद बंद करके फिर लीजिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कई पूछते हैं क्या एंटीबायोटिक का साथ ले सकते हैं। देखिए, एंटीबायोटिक का साथ तो नहीं ले सकते, आप 2 घंटा या 1 घंटा का आगे पीछे करके पहले एंटीबायोटिक ले लीजिए, उसका 1 घंटा या 2 घंटा बाद ये टैबलेट ले लेना, वो भी कुछ खाने के बाद, तो ठीक रहेगा। आशा करता हूँ सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिला होगा। जो लोग इस चैनल में नए हो तो प्लीज फार्मासिस्ट कुंडू जी को सब्सक्राइब करें और बेल को जरूर प्रेस करें, ताकि नोटिफिकेशन जाए और सबसे पहले वीडियो देख सके। और जो लोग सब्सक्राइब किया हो तो थैंक यू वेरी वेरी मच। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।